वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है अपने पास दो सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन इज 1.5% यूरिया, दूसरा सॉल्यूशन है 5.25% ऑफ अननोन सब्सटेंस। इसमें सॉल्यूट क्या है ये अपने को नहीं पता। बोलता है बोथ आर आइसोटोनिक। हम लोगों को बोला है ये एज्यूम कर सकते हैं इसका डेंसिटी दोनों का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी कितना बोला है 1 ग्राम पर ml, इसका भी वही डेंसिटी है। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा इस अननोन सॉल्यूट का कुछ तो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो मॉलिक्यूलर मास मांग रहा है। सो देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट से ये अननोन सॉल्यूट एक्स है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स इसका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। सिंस दे आर आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। ना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया क्या होगा, फॉर्मूला पता होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोलैरिटी ऑफ यूरिया इंटू आर इंटू टी। एक्स का क्या हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एक्स इंटू आर इंटू टी। सिंस दे आर इक्वल हम लोग क्या बोलेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आर और टी तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर सेम मानेंगे। तो इंप्लाइज दैट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ यूरिया। अब देखो दोनों का मोलैरिटी पता करेंगे तो इसका मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। देखो ये 1.5% बाय मास है। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन अगर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो इस 1000 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा 15 ग्राम होगा। तो यूरिया कितना मानेंगे 15 ग्राम। तो इसके अंदर मोल ऑफ यूरिया कितना है तो मोल यूरिया कितना हो जाएगा मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बट हम लोग को तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी यूज होगा। 1000 ग्राम 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम भी हो जाएगा 1000 ml। ठीक है तो वॉल्यूम 1000 ml विच इज इक्वल टू 1 लीटर। तो दिस इज मोल्स ऑफ यूरिया। इफ आई डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम विच इज 1 लीटर आई विल गेट मोलारिटी विच इज सी ऑफ यू। So, molarity of urea is 15/60। ठीक है अब हम लोग इसका molarity निकालते हैं। यहां भी हम लोग assume कर सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आप कुछ भी assume कर सकते हैं आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 ग्राम assume करने से कैलकुलेशन जो है सिंपल हो जाता है। तो 1000 ग्राम सोल्यूशन हो गया तो ये अननोन x कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा आपका 52.5 ग्राम। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखो वॉल्यूम फिर वही होगा डेंसिटी 1 ग्राम पर ml माने तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 ml और 1 लीटर दोनों बात बराबर। तो अब इतना पता है तो मोल्स ऑफ x क्या होगा मोल्स ऑफ x हो जाएगा मास ऑफ x 52.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 1 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड किए तो 1 लीटर। तो क्या आया मोलारिटी मोलारिटी आएगा 52.5 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। सो सी एक्स एंड सी यू इसको एम यू मतलब वही चीज है सी ऑफ यू है। ठीक है नाउ सी ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऑफ यू। सी ऑफ एक्स मोलारिटी ऑफ एक्स कितना निकाले ये निकाले
तो 52.5 by mx इज इक्वल टू सी ऑफ यूरिया, ये निकाला हुआ है 15/60। अब तो सिंपल है, सॉल्व कीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 210 ग्राम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, थैंक यू।